सो गाइस, आप सबको पता होगा कि यहाँ पे मैंने सुबह एक वीडियो डाला था कि जो वीडियो में बताया था कि आरटी ब्लू बंडल पूरी तरह से गायब हो चुका है। मतलब इंडियन सर्वर वाले, मतलब गरीना वालों ने फिर से ले लिया आरटी ब्लू बंडल को। गाइस दिया था, फिर से ले लिया। जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि आरटी ब्लू बंडल पूरी तरीके से हमारे इंडिया सर्वर से जा चुका है। और गाइस इस सर्वर में, मतलब आरटी ब्लू बंडल के लिए गाइस बंदों ने क्या क्या नहीं किया था गाइस। मतलब यहाँ पे कुछ बंदों ने टॉप अप मार लिया था और कुछ बंदों ने तो यहाँ पे वीकली और मंथली मेंबरशिप मार कर रखा था, कि क्योंकि आरटी ब्लू बंडल गाइस 16 दिन के लिए था कि हमारा यहाँ पे वीकली और मंथली पूरा होगा तो हम यहाँ पे आरटी ब्लू बंडल निकालेंगे। पर गाइस यहाँ पे गरीना वाला करना क्या चाहता है गाइस, पूरी तरीके से उसको उड़ा दिया है। गाइज इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला था और उस पर इतने ज़्यादा सैड सैड कमेंट्स आ गए ना, मतलब मैं आप सबको दिखाऊंगा गाइज, पर इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है हमारे साथ। तो यहाँ पे गाइज पोकर को यार लेके बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ था हमारे साथ। मतलब हमको यार मतलब चूतिया, हमारा चूतिया कटा गया था गाइज। हम सीधे एकदम सिंपल भाषा में कहते थे गाइज तो यही होगा। मतलब गाइज यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि जब पोकर आया था कि एक स्टोन, मतलब एक ब्लू प्रिंट और तीन स्टोन में हमारा को पोकर दे रहा था गाइज। पीला वाला पोकर हमको एक ब्लू प्रिंट और तीन स्टोन में दे रहा था। पर गाइज यहाँ पे कुछ दिए, मतलब क्या गाइस 7 से 8 घंटे पूरे होने के बाद यहाँ पे फिर पोकर को गाइस कर दिया गया पूरे 3 ब्लूप्रिंट और 7 स्टोन में। मतलब कुछ अलग ग्लिच चल रहा है भाई। मतलब गरीना वाला करना क्या चाहते हैं मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है फाइनली। तो गरीना को कहा क्या बोलो अभी, मैं कुछ हम बोल भी नहीं सकते। गरीना करना क्या चाहते हैं पोकर को लेके भाई, पोकर को था भाई अभी यार आरटी ब्लू बंडल। अभी मैं आप सबको बताने गाइस, मेरे को आप सबको बता नहीं सकता क्या क्या है गाइस गरीना का ग्लिच, क्या क्या चल रहा है गाइस। अपना गरीना गलती कभी भी नहीं मानने वाला। और गाइस यहाँ पे जस्ट ही जैसे पोकर दे दिया गाइस, जस्ट पोकर दे दिया हमको गाइस कहीं भी, मतलब गाइस यहाँ पे हमको पोकर देने से पहले गाइस ना ही हमें मतलब इन्फॉर्मेशन कहीं दिया ही नहीं था गाइस, ना ही इंस्टाग्राम पे, ना ही ट्विटर पे, मतलब कहीं भी नहीं दिया था। डायरेक्ट गाइस हमको गाइस सुबह हमने गेम को ओपन किया, पोकर गाइस हमारे सामने सिर्फ पोकर दिख गया। और गाइस हम तो सीधा निकालने के जुनून में गाइस, मतलब जुनून में गाइस हमको यहाँ पे वीकली मेंबर मंथली मेंबरशिप मारना पड़ा गाइस। फिर मंथ पे पोकर आ गया भाई दोबारा, तो निकालना ही पड़ेगा। तो भाई इसके लिए गाइस यहाँ पे ये दे दिया। फिर कुछ दिन बाद, कुछ घंटों के बाद फिर गाइस यहाँ पे हमको देखने मिलता है आरटी ब्लू बंडल। और फिर गाइस मैं आप सबको बता नहीं सकता क्या क्या होने वाला है फ्री फायर में, क्या क्या हो रहा है गाइस। अगर मैं डिटेल बताऊंगा तो गाइस मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। गाइज इस बात को मैं ज़्यादा लॉन्ग में नहीं खींचना चाहता हूँ, बस इस मैटर को पूरा मैं छोटे से पार्ट में बस बता के क्लियर कर देना चाहता हूँ। गाइज जैसे कि यहाँ पे MP40 को लेकर यार बहुत बड़ी ग्लिच चली थी, पर हम उसको मान सकते हैं गरीना से गलती होती है, मतलब गलती इंसानों से ही होती है। मतलब चलो हम लोग गरीना को छोड़ दे, गलती चलो गरीना से हो गया भाई, चलो छोड़ दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे भाई मतलब कुछ भी गाइस जैसे गरीना वाले बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहे हैं इंडिया सर्वर को लेकर। मतलब इंडिया सर्वर में गाइस बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहे हैं, और ऐसे मतलब बोले तो बाहर के सर्वर में ऐसा नहीं कर रहे गलती, मतलब इंडिया सर्वर को भी मतलब ले रहे हैं। क्योंकि गाइस इंडिया सर्वर वाले ज़्यादा टॉप अप मार रहे हैं, ज़्यादा उनकी मतलब ज़्यादा डाउनलोडर्स हो गए इंडिया सर्वर में, बहुत कुछ हो गए इंडिया सर्वर वाले, मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं फ्री फायर के लिए। इसका मतलब उन लोग भाई बहुत ज़्यादा ग्लिच भी डाल रहे हैं। तो गाइस हम इस ग्लिच को सह नहीं पाएंगे यार, मतलब इतना ज़्यादा ग्लिच कोई भी देगा यार मतलब हमको सहन ही नहीं होगा भाई। हम डायमंड उसके पीछे उड़ाए, फिर भाई वो दूसरे दिन चला जाए, आ जाए, फिर कल चला जाए भाई, ये कोई बात होती है भाई? मतलब कुछ भी मतलब गरीना वाले कर रहे हैं। अगर मान लो हम पूरी बात को गाइस साइड में रखते हैं, पूरा सारी बात को हम साइड में रखते हैं, बस हम पोकर की बात लेते हैं। यहाँ पे पोकर भाई मतलब गरीना वालों ने दिया था, चलो हमने गलती कर दी तो उन्होंने चलो हमने माफ़ किया। तो यहाँ पे गाइस हमको पोकर आने के बाद कुछ ही दिन उसके दूसरे दिन ही आया यहाँ पे आरटी ब्लू बंडल। आरटी ब्लू बंडल आने के बाद आया तो आया, ठीक है भाई, उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है भाई, चलो उनसे गलती हो गई, पोकर में गलती हो सकती है भाई, पर आरटी ब्लू बंडल में क्यों गलती होगी भाई? आया तो आया भाई, चला क्यों गया भाई? इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि आया तो आया, चला क्यों गया? अगर कैसे आरटी ब्लू बंडल चला भी गया तो इसमें गरीना कोई लॉस नहीं यार, मतलब लॉस हमारे इंडिया सर्वर को, मतलब हमारे इंडिया में खेलने वाले हर एक फ्री फायर प्लेयर को हो रहा है भाई। मतलब उन बंदों ने सोचो कितना मतलब अपनी पॉकेट मनी बचा के यहाँ पर वीकली मतलब वीकली मेंबरशिप और मंथली मेंबरशिप मारा होगा। मतलब यार मैं आप सबको बता नहीं सकता कैसे बंदे मारते भाई, वो मुझे फील हुआ है। हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते कि जो मतलब कोई भी इवेंट आ रहा है तुरंत टॉप अप मार के मतलब तुरंत उस इवेंट का मतलब निकाल लेंगे। हमारे इंडिया सर्वर में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो निकाल लेंगे तुरंत आने के बाद, पर यहाँ पे कुछ बंदे रहते हैं जो वीकली मेंबरशिप और मंथली मेंबरशिप के मतलब भरोसे रहते हैं कि यहाँ पे इवेंट आ चुका है तो उसके लिए हम मंथली मेंबरशिप मारेंगे और वीकली मेंबरशिप मार के हम उसको निकालेंगे आराम से। पर गाइस यहाँ पे आप लोग को भाई दिमाग ही पूरा हिला के रख दिया भाई गरीना फ्री फायर वालों ने, तो भाई आरटी ब्लू बंडल दिया और भाई 16 दिन का टाइम देके भाई मतलब तुरंत उसको डाल दिया भाई। उसके लिए भाई मैंने खुद यार पे वीकली मेंबरशिप मार के रख लिया था और मैं आज खुद मंथली मारने वाला था और टॉप अप तो करने ही वाला था गाइस। आरटी ब्लू बंडल के लिए मैं टॉप अप करने वाला था गाइस, पर अब मैं करने वाला नहीं हूँ गाइस। मैं आप सबको एक राय देने वाला हूँ क्योंकि आप लोग भी टॉप अप मत करो यार, मतलब गरीना फ्री फायर मतलब एक भी रुपये मत डालो। मतलब आप लोग अगर टॉप अप ऐसे करते रहोगे तो आप लोग को ऐसे मिलते रहेंगे यार, मतलब क्योंकि गरीना वाला भाई जान गया कि हाँ फ्री फायर मतलब इंडिया सर्वर में इतना ज़्यादा टॉप अप करते हैं, इसमें कुछ भी करूँगा तो मैं
कोई दिक्कत ही, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, टॉपअप करेंगे बंदे लोग, मैं कुछ भी भेज दूँ मतलब टॉपअप कर लेंगे, दूसरे दिन ले लूँ। गाइस गरीने के लिए हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा ना यार, मतलब ऐसा कांड करते रहे तो भाई हमारा कैसे चलेगा, हम टॉपअप पैसा मारते रहे, हमारा पैसा ऐसा इन्वेस्ट मतलब भाई हमारा पैसा बर्बाद होता रहेगा हमेशा ऐसा। गाइस जैसे कि मैंने आप सबको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इतने सेट्स कमेंट आए हुए थे, मैं चलो मैं आप सबको वीडियो पे दिखाता हूँ, मतलब इतने ज़्यादा सेट्स ऐसे कि आपको आप सबका दिल पूरा मतलब दरिया जैसे पिघल जाएगा। गाइस हमारा पहला कमेंट है नाइट राइडर एफएफ का, भाई इतना ज़्यादा सेट कमेंट लिख दिए यहाँ पे, बोल रहे भाई इनको सपोर्ट चाहिए, तो भाई आप पूरी बात लिखिए नहीं हो भाई, आपको हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, पर आप पूरी बात लिखो भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप पूरा मतलब पूरा डिटेल में मुझे कमेंट कर दो यार भाई प्लीज़। भाई आपको प्रॉब्लम क्या है भाई, हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा भाई। गाइस आप लोग दूसरा कमेंट भी देख सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड कमेंट भाई, यहाँ पे भाई ने 4000 का टॉपअप कर लिया था यार, मतलब स्पिन मारने गए तो भाई यहाँ पे यार मतलब गया आटी ब्लू बंडल गायब, भाई इनके साथ मतलब अन्याय हो गया भाई, मतलब ये बंदे के साथ तो भाई तो बोल सकते गरीना वालों ने फुल अन्याय किया है भाई। भाई 4000 रकम के लिए भाई मतलब इंडियन लोगों के लिए भाई बहुत बड़ी रकम है भाई ये 4000 रुपये। भाई तीसरा कमेंट हमारा बांग्लादेश से आ रहा है भाई, भाई बोल रहे यहाँ पे बहुत ढेर सारा डायमंड लगा के यहाँ पे भाई ब्लू प्रिंट तो निकाल लिया भाई, पर यहाँ पे कुछ फायदा नहीं हुआ इनका कहने का मतलब ये मतलब इंडिया मतलब बांग्लादेश से भी जा चुका है भाई, आरटी ब्लू बंडल बांग्लादेश से भी जा चुके हैं यार, हद हो गए, मतलब हम तो सोच रहे थे कि हमारे इंडिया सर्वर के साथ ही कर रहा था, पर फाइनली यहाँ पे बांग्लादेश के भी साथ कर रहे हैं। गाइस ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा सेट्स कमेंट आ गया, मतलब मेरा तो पूरा दिल टूट गया, मतलब फ्री फायर खेलने का तो मेरा मतलब पूरी मूड ही हट गया। गाइस गरीना वालों की वजह से तो मेरा पूरा मूड खराब हो गया, अब तो मेरा ज़्यादा बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, मैं पूरा दिमाग खराब कर दिया गरीना वालों ने। तो गाइस मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस हम फिर से मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ यार, तब तक के लिए गाइस बाय बाय टाटा, मिस यू गाइस, लव यू। अगर गाइस आप सबको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आप सबका कमेंट पढ़ता हूँ।